अरे का ए 4 जून 2022 समय हो गया है 07:18 AM। अभी सुबह सुबह एक फाइल आई मेरे पास कि एक व्यक्ति ने पुलिस पे केस किया, दिल्ली पुलिस पे, और गैंगस्टर एक्ट लगा दिया। गैंगस्टर एक्ट लगाने का मतलब है, उनका कहना ये है कि पुलिस इज बिहेविंग लाइक अ गैंग। लक्षण बताए हैं, आर्गुमेंट है, वर्दी एक जैसी है, एक साथ कहीं भी खड़े हैं, अचानक हमला करते हैं। मैं ICJ 645, ऑब्जेक्शन सस्टेन। जवाब तो पुलिस को देना होगा कि आपके ऊपर गैंगस्टर एक्ट क्यों ना लगाया जाए। आपने ऐसा क्या किया? जवाब आप देंगे और जो कंप्लेनेंट है उसको सुरक्षित किया जाए। जवाब आपको देना है क्योंकि ऐसे बहुत से मामले रहे हैं जिसमें पुलिस ने डोमेस्टिक वायलेंस के बहाने हस्बैंड को मारा पीटा और बाद में उसके घर के अंदर उसकी वाइफ से सेटिंग करके बैठ गए। बहुत सी जगहों पे बहुत ऐसे केस हैं। कई IPS ऑफिसर्स हैं अभी। हमने अंदाजन भारत में कोई 70 के लगभग बड़े IPS ऑफिसर्स इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में लिए हैं। पुलिस की वर्दी में अपने विदेशी धर्म ज्यूइश को बढ़ावा देना, उनके लोगों को बचाना, मीडिया पे भी आपकी कंप्लेनेंट की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी इस बात पे संज्ञान लेते हुए हम भारत में मीडिया लॉबी पे भी हम एक सवाल उठाते हैं कि आप पर गैंगस्टर एक्ट क्यों ना लगाया जाए। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला इंटरपोल की रिपोर्ट के बावजूद, खुद IB की रिपोर्ट है कि ये अत्याधुनिक फुली ऑटोमेटिक वेपन के साथ ये वीडियो बना रहा है और कई मामलों में, कई हत्याओं के मामलों में वांछित है, तो सिंगर है तो हम क्या करें? गाना कोई भी गा सकता है, गाना गाने से रोक नहीं है ना, गाना गाने से रोक नहीं है। और नए अधिकारियों को आने से रोकना, राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस कमिश्नर, आप पर गैंगस्टर एक्ट इंपोज किया जाता है। अब आप एक बात बताइए राकेश अस्थाना जी, मेरा डेबिट कार्ड कहाँ है? ग्लोबल सिटीजन अनलिमिटेड डेबिट कार्ड कहाँ है मेरा? अनलिमिटेड वैल्यू का है वो, बाद में बेवकूफ बना रहे हो कि वो डमी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अनलिमिटेड डेबिट कार्ड कहाँ है राकेश अस्थाना? आप इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में हैं, आपको देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया जाता है। सिद्धू मूसेवाला को मारने का काम इंडियन IB को दिया गया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया को, और उन्होंने काम निपटाया है। और मीडिया के अंदर लाइक के को CIA ने मारा है, उसको जहर दिया गया था।
भारत में मनोरंजन जगत, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में आतंकवादियों से सांठगांठ रखने वाले और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से आतंकवाद और गैंगों को चलाने वाले लोगों को देखते ही गोली मारने का आदेश क्यों नहीं जारी किया जाए? जी हाँ, के वॉज अ मुस्लिम। चाय पीजिए। भारतीय न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय को आदेश जारी किया जाता है, आप लोग इन सभी रेड कॉर्नर नोटिस की फाइल को साइन करके इंडियन आईबी को फॉरवर्ड करें। यहाँ पे आपकी ड्यूटी खत्म होती है। साइन कीजिए और इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया को दे दीजिए। लिस्ट फाइल नहीं जाएगी, लिस्ट बना के दे दीजिए। बस फाइल अपने पास रखिए। आईबी, इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस की फाइल ले लीजिए। $5 million सभी रेड कॉर्नर नोटिस एक्यूज पे इनाम होता है मिनिमम। वाह भाई वाह, इंडियन आईबी का पैसा रोकने का काम आईपीएस लॉबी कर रही है। आपको मालूम है इंडियन पुलिस एक्ट के तहत और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, आप एसोसिएशन नहीं बना सकते। आपको ऑलरेडी, आप एक सर्विस में हैं पर आपको उसी के प्रति उत्तरदायी रहना है। यू आर रिस्पॉन्सिबल टू बी इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। यू आर ऑलरेडी इन अ सिस्टम, सो वी विल नॉट अलाउ यू टू क्रिएट एनी एसोसिएशन। IAS एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया जाता है। इंडियन पुलिस एसोसिएशन को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया जाता है। ऐसा नहीं होता ना। आईपीसी इंडियन पिनल कोड में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि पुलिस पे गैंगस्टर एक्ट नहीं लग सकता। क्यों? गलती आपकी है। यदि
राकेश अस्थाना का परिवार राकेश अस्थाना को पकड़वाने में मदद करता है, तो आपके साथ नरमी बरती जाएगी। आई बी ड्यूटी पूरी कीजिए सुप्रीम कोर्ट से इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस के और जो नए नोटिस इशू हुए हैं। अब मैं इंटरपोल ऑफिसर 946 भी हूँ, इंटरपोल चीफ। मुझे पता है ना तुम लोग क्या कर रहे हो।